नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24/7। मैं सानिया जैन आपके साथ। कलेक्ट्रेट में आज बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जहां भीड़ देखकर मुख्य द्वार से लाउड स्पीकर से पुलिसकर्मी लगातार सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की विनती कर रहा था। तो वहीं विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधीश कार्यालय पहुंचे लोगों द्वारा कई दफा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। कोरोना महामारी के चलते करीब 2 माह से शहर बंद था, लॉकडाउन था, लोग अपने घरों में बंद थे और उनके काम भी रुके हुए पड़े थे। लेकिन वहीं बीते दिनों लॉकडाउन खुलने के साथ ही इंदौर शहर भी खुल गया और लोग अपनी समस्या लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच रहे हैं। हालांकि किसी तरह की जनसुनवाई या कोई यहाँ पर ऐसा कोई विशेष नहीं है कि प्रशासनिक की तरफ से कि यह लोग आए, लेकिन अपनी समस्या लेकर लोग बड़ी संख्या में आज मंगलवार को यहाँ पर पहुँचे हैं। जहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो ये लोग खड़े हैं ये विभिन्न तरह की समस्या लेकर आए हैं, जिसमें किसी को शादी की परमिशन को चलते यहाँ पर लेने के लिए आया है, तो कोई अपने अलग तरह के दुख दर्द लेकर कलेक्टर के समक्ष यहाँ पर पहुँचे हैं। इनका मानना है कि कलेक्टर आज इनकी बात सुनेंगे और इनकी समस्याओं पर ध्यान देंगे। आपको बता दें कि CM बीते दिन से इंदौर शहर में है, हालांकि प्रशासनिक अधिकारी भी व्यस्त है, लेकिन आज कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे लोग बड़ी उम्मीद से यहां पर आए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। लगातार लाउड स्पीकर से प्रशासन की ओर से बताया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर लगाएं, लेकिन लोग कहीं कहीं सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ भी रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन उन पर पूरी तरह से ध्यान दे रहा है। आगामी समय में देखना यह होगा कि जिला प्रशासन किस तरह से इनकी बात सुनता है और किस तरह से इन पर ध्यान देता है और कैसे इनकी समस्याएं सुलझाता है। कैमरा पर्सन जीतू बाथुर के साथ सतीश शर्मा, इंदौर। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ।